आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। दिघोरी उनका पितृधाम है और दिघोरी में सबसे बड़ा एशिया का स्फटिक मंदिर और यहाँ पर शोभा यात्रा निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। जगत गुरु शंकराचार्य का 100वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जन्म शताब्दी वर्ष यह मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष ही वे ब्रह्मलीन हुए थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बाजे गाजे के साथ उनके शिष्य यहां पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं दिघोरी में। इस अवसर पर शैला नृत्य भी आप देख रहे होंगे। मौके पर मौजूद सिवनी के विधायक दिनेश राय से हमने चर्चा की, आइए जानते हैं दिनेश राय क्या कह रहे हैं। जगत गुरु की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जगत गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य सरस्वती महाराज श्री की आज शोभा हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। गुरु का जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे गुरु जी की जन्म स्थली है और हम गौरवान्वित हैं कि उन्होंने हमारे जिले में मेरी विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक हूँ, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, और ऐसे गुरुओं के मातृभूमि में खड़ा होकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिछले वर्ष उनका निधन होने से हमारा पूरा जिला क्या, पूरा देश क्या, सभी समाज सभी धर्म के अभिलंबी उनसे जाने के बाद बड़े दुखी हैं। और आज हम इसको खुशी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं कि गुरुदेव का 99 साल हम लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहा, सानिध्य मिलता रहा। और ऐसे गुरुओं का धरती में जन्म लेना, कई लाखों सालों के बाद ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसे गुरुओं को चरणों में पुनः मैं अपना सादर सुमन अर्पित करता हूँ। एक यहाँ चर्चा चल रही थी कि बंडोल के पास से अगर दिघोरी आया जाए तो सड़क पूरी जर्जर हो गई है। गुरुदेव जब तक थे, जब तक ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, तब तक ये सड़क की देखरेख होती थी, साल भर से किसी ने देखरेख नहीं की। इस तरीके की चर्चाएं भक्तों के, देखिए प्रधानमंत्री सड़क में जो आई थी उसको उस समय बनवाया था, इसके लिए फिर से रिन्यूवल का भी लगा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में, जैसे हम दिवाली के बाद के लगभग खुल जाएगा। सुना आपने सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय का क्या कहना था, जन्म शताब्दी वर्ष किस तरह से मनाया जाएगा और उनके द्वारा बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया गया। दिघोरी सड़क जो खराब हो गई है उसे भी सुधार की बात उनके द्वारा कही गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु दिघोरी पहुँचे और सिवनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, ये नरेंद्र ठाकुर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं। सिवनी के प्रत्याशी रहे राजकुमार खुराना, जो वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। वे भी मौके पर मौजूद हैं, वे क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या कार्यक्रम है आज? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आज 100वां जन्मदिवस है। तीजा के दिन उनका जन्म हुआ था और उसी उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए हम सब यहाँ आज दिघोरी धाम में एकत्रित हुए। जन्म शताब्दी में और क्या कार्यक्रम यहाँ पर जगत गुरु के होंगे, चूँकि ये उनकी जन्मस्थली है, यहीं उनका बचपन बीता है, पितृधाम भी यही, मातृधाम भी यही है इसी जिले में, तो और क्या कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, जो भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अभी पूरे गाँव में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसके साथ साथ आज जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज वास्तव में पूरे विश्व के लिए एक धरोहर से कम नहीं थे। सिवनी की माटी में वे अवतरित हुए, पले बढ़े यहीं, और उसके बाद पूरे विश्व में उन्होंने ज्ञान का प्रकाश वितरित किया, प्रस्फुटित किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के जन्म शताब्दी के अवसर पर हरतालिका तीज अर्थात तीजा पर शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। वास्तव में वे धरोहर के रूप में ही थे और सिवनी शिव की नगरी, वास्तव में शिव की जिला उन्हें पाकर धन्य हो गया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।